थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जब मैं यहाँ आ रही थी, भाई सोनू भाई पहले बोल चुके हैं, टाइम सारा खत्म हो जाएगा इसमें, तो प्लीज अब सुन लीजिए ना। थैंक यू सो मच। आज मैं जब सुबह यहाँ आ रही थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग, धूप बहुत तेज थी, कुछ लोग ऑटो में थे, कुछ बस से, कुछ पैदल आ रहे थे। तो मुझे 23 साल पहले का अपना सफर याद आया, जब मैंने भी ऑटो से पैदल, और छाले पड़ जाते थे पैरों में, और मैंने काम किया था। इवन मेरा कलर इतना डार्क हो गया था, मेरे घर वाले पहचानना बंद कर दिए थे इतनी तेज की धूप में। तो जब मुझे वो दिन याद आ रहे थे, और एक दिन हमने वैसे भी जिए थे, जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कभी हमारी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि लाइट जब जाती थी तो हमेशा इंतजार रहता था लाइट कब आएगी। लेकिन वेस्टीज का प्लेटफॉर्म जब हमें मिला, क्योंकि सपने हमारे थे, 20 साल पहले हमारी शादी हुई, हम दोनों के सपने ही बहुत बड़े थे, और जब हमने, कहते ना काम सब लोग करते, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक जमीन होना, एक प्लेटफॉर्म होना बड़ा जरूरी है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में आया, और आज जैसे जिंदगी मैं जीती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है, पूरे शहर की लाइट जाती है और मेरा घर हमेशा चमकता है। जैसे धूप में सफर किया था, और आज मुझे याद भी नहीं रहता मैं धूप में कब निकलती हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की वजह से हुआ, और 20 साल क्योंकि वेस्टीज को हो चुके हैं, आज इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मैं दीपक सर का, बाली सर का, और कन्वर सर का, और पूरे मैनेजमेंट का दिल से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, अपने हस्बैंड का और ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो डिसीजन ना लेते तो हम यहाँ ना ही पहुँचते। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको बधाई, वी आर सो ब्लेस्ड। हमने शायद पुराने कहीं जीवन में बहुत सत्कर्म किए होंगे, जो उस मानव जीवन के बाद में देश मिला, उसमें भी आगे बढ़ने के लिए ऐसी कंपनी या सिस्टम मिला जो हम सबके भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ अपने हिस्से का काम करने की हमें जरूरत है। दोस्तों, तकरीबन 24 साल पहले मैंने अपना सफर शुरू किया। 24 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था, कुछ था नहीं, फादर डॉक्टर थे, लेकिन एक जिद थी, एक जुनून था, एक जज्बा था कि सेल्फ मेड कुछ लाइफ में करना है। माँ बाप के करने पर सारी दुनिया गाती है, बजाती है, सुनाती है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा करना है, जीवन को सार्थक करना है, कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे लोगों को, हमारे रिलेटिव्स को, और देश को आप पर नाज हो। इस जुनून के साथ में मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ और नहीं था, लेकिन बहुत सारे सपने थे, समझ थी कि सपने पूरे करने के लिए, जैसे मैम ने बताया कि प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस समय वी आर सो ब्लेस्ड कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म समझ में आया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इट वॉज अ सीरीज ऑफ ड्रीम्स। और शायद मैं आज अगर यहां पर खड़ा हूं तो ये एक और सपना है। शायद जब मैंने अपना सफर शुरू किया था, कभी आपकी तरह ऐसे किसी जगह पर बैठकर मेंटोर्स को सुना था, सक्सेसफुल लोगों को सुना था, और वहां बैठकर एक दिन एक सपना लिया था, एक डिसीजन लिया था कि एक दिन ऐसा काम करना है, इतना काम करना है कि जो आज आपके मेंटोर्स हैं उनके साथ आप स्टेज शेयर करो, वो मुकाम अपनी जिंदगी में लेकर आना है, वो मुकाम हासिल करना है। एंड टुडे दैट डे इज फॉर मी। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, whether सिद्धार्थ सर, देव मैम, या भारत सर, ये ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको देखकर मैं समझता हूं शायद आप लोगों ने भी अपने सपने कभी ना कभी बनाए होंगे। सो वहां पे शुरू किया, नहीं था कुछ भी, साइकिल थी, उससे प्लान देना शुरू किया था आपसे 24 साल पहले। रहने के लिए घर नहीं था, तो कभी रिलेटिव्स के रुकता था दूसरे शहर में जाकर, बरेली में आकर, कभी किसी डाउनलाइन के रुकता था। 7 महीने बाद अपने लिए छोटा सा किराए का कमरा लिया था, लेकिन टेंशन नहीं थी, भरोसा था कि बहुत बड़ा होगा। उसके 1.5 साल के बाद एक फ्लैट लिया, उसके बाद आगे जर्नी शुरू हुई, सपने पूरे होते चले गए, भरोसा बढ़ता चला गया, लेकिन जो साइज था वो पूरा नहीं हो रहा था। 8 साल काम करने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन आया, और वो दिन था जिस दिन मेरी मुलाकात बाली सर से हुई, 7 फरवरी 2008 को।
आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। सर ने लगभग 2.5 घंटे का समय दिया, मेरे बहुत सारे बचकाने, बहुत इमेच्योर कुछ जरूरी सवाल थे, उस सवालों के साथ किया। और आज अगर मैं बात करूं आपसे सफलता की कि कैसे सफलता आपके पास आ सकती है, तो उसका पहला जवाब है भरोसा। जिस दिन उस 2.5 घंटे के बाद मैं भरोसा कर लिया था, वैसे चीज बड़ी कंपनी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं था, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे, बहुत सारे अच्छी रैपिंग नहीं थी, लेकिन एक भरोसा था कि जिस व्यक्ति के साथ अपने जीवन के अपने सपनों की बागडोर सौंप रहा हूं, वो व्यक्ति इतने विजनरी हैं और उनका इंटेंशन ये है कि जब तक इस कंपनी में आने वाला और काम करने वाला आखिरी व्यक्ति भी सफल नहीं हो जाता, वो चैन से नहीं बैठेंगे। और ये भरोसा ही मेरे जीवन में सबसे ज्यादा काम किया। वहां से सफर शुरू किया, आज इट्स ए हिस्ट्री ऑलरेडी। पिछले लगभग 16 सालों के अंदर 40 लाख से ऊपर की सिंगल इनकम ले चुका हूं, कई प्रॉपर्टीज बनाई, अभी एक ड्रीम हाउस बनाया, बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई। बच्चों के लिए तो सपने देखे थे, वो सारे सपने पूरे हुए, लेकिन ये सब चीजें कैसे हासिल की वो आपको बताना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? मुझे लगता है सिर्फ एक चीज पर्याप्त होगी आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, एंड दैट इज आपका वो पैशन, आपका वो जुनून जो आप अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जहां पर जुनून होगा वहां एक्सक्यूज बंद हो जाएंगे, जहां पर आपका सपना और जुनून आपके पास होगा वहां बहाने बंद हो जाएंगे, वहां रास्ते खुलने शुरू होंगे, डिपेंडेंसीज खत्म हो जाएंगी, आप रास्ते बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको सीखा, आपको नॉलेज नहीं है, आप सीखने की शुरुआत कर देंगे, आप सहारा छोड़ देंगे, आप सहारा बनना शुरू कर देंगे, आप रुकना छोड़ देंगे, आप चलना शुरू कर देंगे, आप दौड़ना शुरू कर देंगे। आपके पास साधन नहीं है, आप संसाधन जुटाना और संसाधन बनाना शुरू कर देंगे। एंड दिस हैपेंड विद मी। पिछले 16 साल के सफर में बहुत सारे अप एंड डाउन आए और आए थे, आएंगे, आने वाले वक्त में भी आएंगे, क्योंकि जीवन कभी सीधी सरल रेखा में नहीं चलता। लेकिन उस दौरान आपको सिर्फ एक चीज कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्यों जाना है, अगर इस चीज पर आपका फोकस रहेगा तो चीजें आएंगी और हिस्ट्री बनती हुई चली जाएंगी और आप उनको चीर कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट, जो हमारा सर के ऊपर था, मैनेजमेंट के ऊपर था। मुझे आज भी याद है कि जितना बड़ा सपना हमने बनाया, देखिए हम जहां से आते हैं सारे लोग, वहां सपना देखने की ट्रेनिंग हमको नहीं मिलती, am I right or wrong? हमें सपना देखने के लिए ट्रेनिंग नहीं मिलती, हमको सपना देखने के लिए इंस्पायर नहीं किया जाता, रोका जाता है। लेकिन ये ऐसी कंपनी, ऐसा मैनेजमेंट है, आप एक सपना बनाकर पूरा करते हो और आपको लगता है नाउ द टाइम इज टू एंजॉय द कंफर्ट जोन। बिलीव मी, आपके उस कंफर्ट जोन में जाने से पहले ही बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर जिस तरह का प्लान लाते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं अपने नए गोल्स बनाने के लिए और उनको फिर से परस्यू करने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि मेरे सारे बड़े बड़े सपने इसी प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने देखने, विश्वास करना।